नमस्कार दोस्तों, आरसीए न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आरसीए न्यूज चैनल के माध्यम से आपको आपसे संबंधित सारी जानकारियां समय समय पर सही सटीक विस्तार से देने का प्रयास किया जाता है। आरसीए न्यूज चैनल एक एजुकेशन चैनल है जिसके माध्यम से आपको भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। किस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होने वाला है, कौन से भर्ती का रिजल्ट आने वाला है, इन सब के बारे में जो भी जानकारी आपको आरसीए न्यूज चैनल के माध्यम से दी जाती है वह सही होती है, सटीक होती है। साथ ही साथ आरसीए न्यूज चैनल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी किया जाता है। इसलिए बिना सोचे समझे आप आरसीए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। आज की दूसरी बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज की तीसरी बड़ी खबर होगी संघ लोक सेवा आयोग की। और आज की चौथी बड़ी खबर होगी एसएससी की एमटीएस भर्ती परीक्षा को लेकर। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। अब आइए आज की पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 19 जुलाई 2019 को जूनियर असिस्टेंट भर्ती का परिणाम जारी किया गया था। अभी इसमें टंकण होना बाकी है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया है किस तारीख को आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। बस उसमें पक्ष बताया गया है कि इस पक्ष में आपका टंकण संभावित है। तो मैं आपको बता दूं आपका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा टंकण के लिए, तो 20 से 24 सितंबर 2019 एक दिन आगे पीछे आप मान लीजिए, संभवतः 20 से 24 सितंबर 2019 के बीच आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि आपका टंकण इस तिथि से होगा। इसलिए आप सभी अपनी तैयारी जारी रखें जिससे आपका जो टंकण वाली परीक्षा है वह अच्छी तरीके से हो सके। अब आइए आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। यह भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभी आज के 5-6 दिन पहले असुलिपिक का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसका रिजल्ट अगस्त में आना था उसे जुलाई के द्वितीय पक्ष में जारी कर दिया गया। लेकिन अब इसका टंकण कब होगा इसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है आइए जान लेते हैं। इसका टंकण के संबंध में नोटिफिकेशन 4 से 6 सितंबर 2019 के बीच जारी कर दिया जाएगा, 4 से 6 सितंबर 2019 के बीच जारी कर दिया जाएगा, एक दिन आगे पीछे आप मानकर चलिए। मैं भी एक एक्सपेक्टेड समय बता रहा हूं जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अब आइए आज की तीसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। यह भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट का अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार है, कब रिजल्ट आएगा। अभ्यर्थियों का कमेंट आता रहता है, मैं उनके कमेंट का रिप्लाई भी करता रहता हूं और मैंने उनसे बताया था जब मुझे एक्सपेक्टेड तिथि की जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत करा दूंगा। तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 6 से 13 सितंबर 2019 तक आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यह परिणाम अगस्त में आने वाला था लेकिन इस तिथि में संशोधन कर दिया गया है। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं सर आप डेट बदल देते हैं, तो भैया जब आयोग डेट बदलेगा तो मुझे भी डेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं सचिव अध्यक्ष नहीं हूं, मैं आपके लिए जानकारी एकत्रित करता हूं और आपको जानकारी देता हूं। इसलिए आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखा करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिसके आपके दोस्तों को भी जानकारी मिले। और मैं जो भी जानकारी देता हूं सही देता हूं, सटीक देता हूं, एक्सपेक्टेड बताता हूं, लेकिन उस डेट के बीच आपका रिजल्ट जरूर घोषित हो जाएगा अगर आयोग द्वारा कोई परिवर्तन ना किया जाए तो। अब आइए आज की चौथी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट करके हमसे पूछा कि सर युवा विकास दल अधिकारी का फिजिकल कब होगा, तो मैंने पहले ही उनको बताया था कि आपका फिजिकल अभी नहीं होगा क्योंकि मौसम खराब है। मेरी परीक्षा नियंत्रक जी से बात हुई थी 31 तारीख में, उन्होंने बताया था कि मौसम खराब होने की वजह से जो फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल है उसमें अभ्यर्थी
नहीं पहुंच पा रहे हैं और जो पहुंच रहे हैं मौसम खराब हो रहा, बारिश होने लग रही, फिजिकल को रोकना पड़ रहा है, जिसके कारण युवा विकास दल अधिकारी का फिजिकल कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आप पूछते थे कि सर कोई जानकारी होगी इसके बारे में बताइएगा, तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है आइए जान लेते हैं। देखिए, युवा विकास दल अधिकारी का जो फिजिकल है उसमें जो परिवर्तन किया गया है 15 के बाद, देखिए 15 अक्टूबर के बाद आपका फिजिकल होगा, 15 अक्टूबर के बाद आपका फिजिकल होगा, आप इसको मान के चलिए। उसके पहले नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा संभवतः, लेकिन जो फिजिकल आपका शुरू होगा वह 15 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगा। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, क्या आप चाहते हैं कि बारिश होने लगे तो आपका फिजिकल रुक जाए, आपको बार बार फिजिकल के लिए जाना पड़े, तो ऐसा ना हो जिसके कारण आपके फिजिकल को उस समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो आप थोड़ा इंतजार करिए, फिजिकल दीजिए, सही से दीजिए, फाइनल दीजिए। अब आइए आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक निदेशक पद के लिए इंटरव्यू तिथि घोषित कर दी गई है। यह इंटरव्यू प्रक्रिया 21 अगस्त 2019 को आयोग परिसर यमुना भवन में शुरू होगी। आपको बता दें, अगर इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन के माध्यम से इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आज की तीसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर है कि एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत 100 से अधिक विद्यालय नहीं होंगे। मानव संसाधन मंत्रालय ने यह नीति तैयार की है। इसका मुद्दा कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने उठाया था, जिस पर मानव संसाधन मंत्रालय ने विचार किया और यह नीति तैयार की। अगर 100 से अधिक विद्यालय एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं तो उसके लिए अलग से विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जाएगा। अभी तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, आगे देखा जाएगा। अब आइए आज की चौथी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर संघ लोक सेवा आयोग की है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2020 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आप उस परीक्षा कैलेंडर को संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आज की पांचवी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर MTS भर्ती परीक्षा को लेकर है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुक्रवार को MTS भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 97,773 अभ्यर्थी थे, लेकिन 51,524 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। ज्यादातर अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दी, इससे मेरिट कम जाने के आसार हैं। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जब भी चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।